हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको एक पेंटिंग दिखाने वाला हूँ। कुछ टाइम पहले मैं ये पेंटिंग कर रहा था और आज इंडिया में रामायण काफ़ी जोरों शोरों से चल रहा है, तो मुझे लगा ये अच्छा मौका है इस पेंटिंग को आपको दिखाने का, क्योंकि ये पेंटिंग रामायण के ऊपर है। ये कमीशन वर्क है जो मैं काफ़ी लार्ज स्केल पर कर रहा हूँ, और इस वीडियो के दौरान मैं कुछ टेक्निकल चीज़ें आपके सामने रखूँगा, तो इस वीडियो को अच्छे से पूरा देखिएगा एंड तक। कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा ऑयल पेंटिंग के बारे में, कुछ चीज़ें मैं आपको बीच में करके भी दिखाऊंगा, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा एंड एंड में बताइएगा भी कि ये पेंटिंग आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आने वाले टाइम में ऑयल पेंटिंग पे ट्यूटोरियल्स आते रहेंगे, जैसे कि मैंने बताया था। इस पेंटिंग की ये जो कमीशन वर्क है, मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता था, इसलिए मैं इसको सामने रख रहा हूँ। आप देखिए, समझिए, जानिए और पेंटिंग कैसी लगी, आपने जो सीखा, आपको कितना ये इन्फॉर्मेटिव लगा वीडियो, सारी चीज़ें मुझे कॉमेंट में भी बताइएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ओरिजिनल पेंटिंग रामदास एंड धृति जी ने बनाई है, जो इंडिया के बहुत ही ग्रेट आर्टिस्ट हैं, और इस पेंटिंग को मैं रिक्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे आज। और क्लोजली आप कुछ लुक्स देखिए कि कैसे मैंने यहाँ पे ब्रश स्ट्रोक्स दिए हैं। मैंने बहुत ज़्यादा मिक्सिंग, बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग नहीं की है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग्स नहीं की है। मैं आपको स्ट्रोक्स दिखा रहा हूँ ब्रश के, बट दूर से जब भी हम देखते हैं तो सारी चीज़ें सही अपनी जगह पे लगती हैं। तो इस लेवल तक मैंने कंप्लीट कर चुका है, मैं आगे कुछ चीज़ें बताऊँगा। इस जगह पे भी पास से और दूर से जो डिफरेंस आ रहा है वो आप देखिए। पास से काफ़ी सारे जो स्ट्रोक्स हैं वो रफ दिख रहे हैं, बस वैल्यू को सही जगह में रखना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट इसी चीज़ को अगर हम दूर से देखते हैं तो सही जगह पर सब चीज़ें लगती हैं। तो मैं आपको अब अच्छे से समझाता हूँ। मैं चाहता तो इस जगह को टाइम लैप्स रख देता, बट मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को अच्छे से देखो, इसलिए मैंने इसे रियल टाइम में रखा है। मैंने यहाँ पे एक कलर लगाया। अब इसका जो लाइट शेड है वो मुझे चाहिए। सपोज़ हम एक पेंटिंग कर रहे हैं, वहाँ पे हमें 3-4 शेड्स चाहिए। मैंने ब्लू लगाया, अब ब्लू से थोड़ा सा लाइट शेड हमें चाहिए, तो पहले मैंने उसे पैलेट पर मिक्स किया। उसके बाद सपोज़ इस जगह में हमें वो कलर चाहिए था, इस जगह पे हमने कुछ इस तरीके से इसको लगाया। अब मान लीजिए एक और वैल्यू हम कम लेते हैं, थोड़ा सा और लाइट शेड हमें चाहिए, तो ये जो टोन हम यहाँ पे बना रहे हैं पैलेट पे, उस पर आपको ध्यान देना है। जब भी आप पेंटिंग करो, ऑयल पेंटिंग करो, तो पेंटिंग बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सूखने में, तो इस चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना है। फ़ायदा कैसे उठाना है, आपको मिक्सिंग कर करके ट्राई करनी है अपने पैलेट पे, ना कि कैनवस पे, क्योंकि बिगिनर्स गलती कर देते हैं, वो कैनवस पे ज़्यादा मिक्सिंग करने की कोशिश करते हैं, जिससे कलर की जो ओपेसिटी है वो कम हो जाती है, कलर डल हो जाते हैं, फ्रेशनेस चली जाती है। अब देखिए, मैं सेकेंड चीज़ जो यहाँ पर कर रहा हूँ वो ज़्यादातर बिगिनर ऐसा करते हैं। मैंने एक कलर लगाया, सेकेंड शेड मैंने दिया। अब इस जगह पे हम ज़्यादा अगर इसको इस तरीके से मिक्स करने का कोशिश करेंगे थर्ड शेड पाने के लिए, तो इससे क्या होगा, कलर डल हो जाएंगे और जो थिकनेस है वो चली जाएगी। एक और शेड मैंने दिया। अब बीच की चीज़ को ऐसे अगर आप मिक्स करने की कोशिश करोगे तो वो फील नहीं आएगा, वो स्मूथनेस नहीं आएगी। जबकि इस जगह पे आप देखिए, अगर मान लीजिए मुझे एक और शेड लाइट जाना है, तो मैंने उसको पहले पैलेट पे मिक्स किया, ना कि कैनवस पे। तो पैलेट पे मिक्सिंग करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको सीखनी, और आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में मैं और अच्छे से आपको करके एक एक चीज़ दिखाऊँगा। तो इस तरीके से हमें अलग अलग शेड्स मिल गए, अलग अलग वैल्यू मिल गए, हमने उसको अलग अलग अच्छे से लगाया, और जो बीच की जो इसकी स्मूथनेस, उसको हम एक नया शेड बना के इस तरीके से लगा सकते हैं, जिससे ये एक ट्रांजिशन स्मूथ बनेगा। रगड़ना नहीं है आपको ब्रश को कैनवस पे, जो कि काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि ब्रश को रगड़ने से डल हो जाता है, तो यहाँ पे मैं उनके लिए बोलना चाहता हूँ कि ब्रश को आपको रगड़ना नहीं है। आपको जो भी कलर चाहिए, जो भी आपको शेड्स दिख रहे हैं अपने रेफरेंस इमेज के हिसाब से, आपको वो पैलेट में बनाना है। तो इस माला को अभी मैं कलर करके दिखाता हूँ आपको। ये भी रियल टाइम है, और रियल टाइम मैंने इसलिए रखा है ताकि आप अच्छे से देख के समझो। जहाँ जहाँ डार्क टोन है, मैं वहाँ पे डार्क शेड लगा रहा हूँ,
ध्यान से देखिए, मैं बिल्कुल भी मिक्सिंग करने की कोशिश नहीं कर रहा, जो स्मूदनेस करने की कोशिश करने लग जाते हैं वो चीज़ नहीं कर रहा हूँ। जहाँ पे डार्क कलर लग रहे हैं वहाँ डार्क लगा रहा हूँ, जहाँ लाइट शेड दिख रही है वहाँ पे मैं लाइट शेड्स लगा रहा हूँ। सेम चीज़ यहाँ पे भी, जो कलर हैं आपको वो मिक्स करने हैं, एंड जितने डार्क हैं उतने डार्क आपको मिक्स करने हैं, एंड जो भी मिक्सिंग करनी है आपको पैलेट में करनी है। अगर ये ग्रे शेड आपको लगाना है तो आपको वो पैलेट में मिक्स करना है, जहाँ जहाँ पे वो शेड दिख रहा है आपको वहाँ पे लगाना है, जहाँ पे लाइट शेड दिख रहा है आपको वहाँ पे लाइट शेड लगाना है। एंड जो भी शेड्स आप लगाओगे आपको वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको पैलेट में मिक्स करके उसको लगाओ, सही जगह पे सही डार्कनेस लगाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक रियलिस्टिक पेंटिंग पाने के लिए। कैसे कलर को मिक्स करते हैं, कैसे वैल्यू को जज करते हैं, ये हर एक चीज़ मैं अपने ट्यूटोरियल्स में, आने वाले ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा। बट यहाँ पे मैंने कुछ रियल टाइम फुटेज रखी है इस पेंटिंग की, जिसको मैं चाहता था कि आप देखो और कुछ चीज़ें आप मुझे करते हुए देखो तो आपको ज़्यादा इजी समझ आएगा। आप इसको प्रैक्टिस भी जब करोगे तो आप इस चीज़ को बार बार देख के उसी चीज़ को ट्राई कर सकते हो। अब जो चीज़ मैंने माला में की, पास से आपने देखा कैसे वो रफ़ लग रहे थे, अब इसी चीज़ को अगर हम दूर से देखेंगे तो दूर जाने पर डार्कनेस और लाइटनेस वो सही जगह पे दिखनी चाहिए, तभी आप समझना कि आपका जो वैल्यू जजमेंट है वो आपका जो डार्कनेस लाइटनेस है वो सही आ रहा है। तो आपको समझ आ गया होगा कि वैल्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है एक रियलिस्टिक पेंटिंग में, कौन सी चीज़ कितनी डार्क होनी चाहिए, कितनी लाइट होनी चाहिए, ये चीज़ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितनी स्मूथ है, कितनी फिनिश्ड है, कितनी डिटेल्स हैं, वो सारी चीज़ें बात की चीज़ें हैं। और इन सब चीज़ों में कैसे कलर को सही वैल्यू में लाना है, कैसे शेड्स बनाने हैं, कैसे कलर की मिक्सिंग करनी, ये सारे चीज़ों के ऊपर मैं ट्यूटोरियल्स लाऊंगा जिसमें आपको और अच्छे से समझ आएगा। अगर आप ऑलरेडी ऑयल पेंटिंग करते हैं तो जो चीज़ें मैंने बताई उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, डेफिनेटली आप इम्प्रूवमेंट देखोगे अपने वर्क्स पे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो। आने वाली वीडियोस और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल होंगी, इसकी पूरी कोशिश रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर दबा दीजिएगा, सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप मेकिंग आर्टवर्क एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।